हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति फिर से आपके सामने एक बार आ गई हूँ। आप सबको मेरा सलाम और टॉप रिपोर्टर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने देखा था, अभी प्रीव्यूज़ लिया था कुछ घंटों पहले, तो उसमें हमने देखा था कि लोग कितने एक्साइटेड थे, खासकर बच्चे इतने एक्साइटेड थे। ये मूवी रिलीज़ हो रही है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, उसके लिए और काफ़ी एक्साइटेड होकर वो अंदर गए थे। और लोगों का कहना था कि इस वाले एवेंजर में, इस पार्ट में कोई सुपर हीरो की डेथ होने वाली है। किसकी डेथ होने वाली है, कौन मरेगा? आयरन मैन कहा जा रहा था कि आयरन मैन की डेथ होने वाली है, तो नहीं, आयरन मैन तो नहीं मरना चाहिए भाई, वो मेरा फेवरेट है, उसको वो नहीं मरना चाहिए। तो अभी बहुत सारे सस्पेंस हैं कि कौन मरा, क्या हुआ एवेंजर मूवी में। तो उसके लिए हम चलते हैं ऑडियंस के पास और पता करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ, कितने धमाकेदार थी मूवी, और उनके रिव्यूज़ जानते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हुआ जैसा ट्रेलर में दिखाया गया था। जितनी अच्छी ट्रेलर थी उतनी अच्छी मूवी, उससे ज़्यादा अच्छी मूवी है कि उससे कम अच्छी है, आखिर मूवी कैसी है ये पता करते हैं और उनसे सारे क्वेश्चंस करते हैं कि आखिर मूवी में क्या हुआ। तो चलिए चलते हैं उनके पास। तो कैसी रही मूवी? इट्स नॉट गुड। ओके, तो क्या अलग था मूवी में? Big fan of Marvel. I have expected a lot more than that, which is shown in the movie. Like Thanos is unbreakable and unwinnable. वो हार नहीं सकता, ना उसे कोई हरा सकता है, और वो उसका रिटर्न होगा। और मेरी सबसे बड़ी चीज़ ये मेरे को इस मूवी में लगी, क्योंकि एंडिंग में जो नए जो एवेंजर्स थे उनको सबको ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ मेन बचे हैं। कौन कौन? आयरन मैन, हल्क, थॉर, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो एंड ओके, तो माने मेन सब बचे हैं, बाकी सब चीज़ ख़त्म। ओके, तो कैसी, आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे मूवी को? 5 out of 5 में मैं 4.5 देना चाहूँगा, क्योंकि 5.5 था वो लास्ट की एंडिंग के लिए थोड़ा सा मैं कम करना चाहूँगा, क्योंकि वो थोड़ा और अच्छा हो सकता था। अभी आपको सस्पेंस में रख दिया गया है? रख दिया गया है, क्योंकि थैनोस अच्छी थी बट एंड में सस्पेंस बहुत डाल दिया। ओके, तो सस्पेंस की वजह से बस 1 साल वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मूवी के लिए। ओके, तो मतलब एक्चुअली में हुआ क्या मूवी में? वो तो जो देखने आएंगे उनको तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, ऐसा क्या मस्त धमाकेदार क्या हुआ? धमाकेदार ऐसे मतलब थॉर नया अपना वो वेपन लेकर आया और लास्ट में सब डिस्पर्स होने लगते हैं। ओके, तो एवेंजर के जो पहले पार्ट्स थे वो ज़्यादा अच्छे थे कि ये? खैर, ये सस्पेंस ज़्यादा डाल दिया है, बाकी तो अच्छा था। ये भी अच्छा था। तो आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 4 out of 5 मूवी तो बहुत अच्छी थी, लास्ट में उन लोगों ने जो सस्पेंस दिया वो देख के तो मजा आ गया। क्या था सस्पेंस में? सस्पेंस में अभी आपको बता नहीं सकता, लोगों का स्पॉइलर टाइप का हो जाए। बहुत ही अच्छी थी। क्या हुआ मूवी में, क्या धमाकेदार थी मूवी? मूवी कम्प्लीट नहीं थी, मतलब अभी नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा आगे क्या होने वाला है। अच्छी थी मूवी। क्या हुआ मूवी में? सस्पेंस में छोड़ दी मूवी को, तो था जो सारे उसको जो स्टोन्स मिलने वाले थे उसने ले लिए सारे स्टोन्स। अब देखिए, स्पॉइलर अलर्ट, मिल तो गए थे उसे सारे स्टोन, पर मूवी बिल्कुल सस्पेंस में छोड़ दी गई है। तो अगली मूवी का वेट करना है। कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप मूवी को? 4 out of 4 स्पीचलेस है अभी। थैनोस को पूरे स्टोन्स कैसे मिले? थैनोस को सारे स्टोन, मतलब 6 के 6 स्टोन तो मिल गए, और अभी वो फिर स्नैप द फिंगर के साथ फिर उसने वो भी कर दिया अपना सबको। किसकी डेथ हुई? डेथ ऐसा भी वो हुई तो नहीं है, शो नहीं हुई है आपको? लास्ट में अटका के रखा है, अब नेक्स्ट सीरीज का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, 5 out of 5 कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप? 5। अच्छा, कुछ कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा? हीरोज को जो एंट्री होता है वो बहुत अच्छा था। ओके, और थॉर का मतलब थॉर जब एंट्री और जब मारता है उसको थैनोस को लास्ट में, दम मस्त था वो। तो अभी मींस कोई किसी की डेथ नहीं हुई कि हुई डेथ? डेथ अभी सभी एग्जिस्टेंस ही मिट जा रहे हैं अभी तो। वही जब थॉर एंट्री लिया फिर उसके बाद फाइट कर रहे सबसे। थैनोस को पूरे स्टोन कैसे मिले? सबको मार मार के उसको सबको मार मार के उसको स्टोन मिल गया, और तो उसने पॉपुलेशन आधी की कि नहीं की? वो उसने कर रहे, वही तो सस्पेंस है कि क्या हो क्या रहा है आगे, मतलब समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो नेक्स्ट में पता चलेगा कि क्या हुआ, सस्पेंस पूरा पूरे 1 साल वेट करना। ओके, तो आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे मूवी को? 5।
एक्सपेक्टेशन जो था उससे थोड़ा कम ही लगा, मतलब ट्रेलर में जितना दिखाया था उससे कम ही था। ओके, तो क्या थी एक्चुअल, धमाकेदार कुछ थी कि नहीं थी? धमाकेदार थी लेकिन एक्सपेक्टेशन जो थी उस हिसाब से नहीं था। ओके, तो मतलब जितने एक्साइटेड हो कि आप गए थे देखने उतने एक्साइटमेंट से आप बाहर नहीं निकले। ओके, तो थैनोस को पूरे स्टोन्स कैसे मिलते हैं? शायद सुना है हमने कि थैनोस को पूरे स्टोन मिल गए हैं, तो वो कैसे मिले? अर्थ पे दो स्टोन मिल जाते हैं उसको। ओह माय गॉड, तो अर्थ में दो स्टोन उसको मिल गए। एक तो ले जाके गिफ्ट कर देता है उसको डॉक्टर स्टेन। हाँ, डॉक्टर स्टेन टाइम स्टोन दे देता है उसको। ओके, और यहाँ पे इस ट्रेलर से पता चलता था कि यहाँ पे कोई सुपर हीरो की डेथ होने वाली है, तो किसकी डेथ होती है? बहुत लोग, लास्ट में तो बहुत लोग की डेथ हो गई, मतलब उसमें अभी क्लियर नहीं हुआ कि कौन। स्टार लॉर्ड की हो गई और स्पाइडरमैन मर गया। लास्ट में तो बहुत की डेथ हो गई, स्टार लॉर्ड की पूरी टीम की डेथ हो गई थी। ओके, तो मतलब आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे मूवी को? 3.5/4। हाय हाय, तो कैसी रही मूवी? पाडू ऑसम, जितना कहा जाए उतना कम है, मतलब ट्रेलर जैसा दिखाया था वैसा है, उससे भी अच्छा था। थानोस हमारे बाहुबली है। ओके, थानोस आपके बाहुबली हैं, तो उनको सारे स्टोन्स मिल गए। हाँ, ये बाहुबली टाइप है, लास्ट में सस्पेंस आएगा, वो मजा नहीं आया। अच्छा, तो एंडिंग मजेदार नहीं था, ठीक है, बट स्टार्टिंग और मिडिल सब चीज अच्छा था। आप लोग कितना रेटिंग देना चाहोगे? 100 दे रहा हूँ। ओके, 100 में 100। थैनोस का फैन हो गया, थैनोस भाई लव यू। थैनोस के ओके, थैनोस पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो आपका सुपर हीरो कौन है? मेरा फेवरेट डॉक्टर स्ट्रेंज, जो अभी तो है नहीं, चला गया। ओह नो, सो सैड। अब बचा क्या है? तो लेकिन फिर भी मूवी बहुत अच्छी थी, सस्पेंस बना के रखा है इसमें। तो जैसा कि देख सकते हैं, हम लोग अभी सुबह सुबह साइकिल से अपने घर से यहाँ आए हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए। माय गॉड, काफ़ी दूर से आए हैं, बहुत स्ट्रगल करते हुए हम आए हैं धूप में, और काफ़ी बढ़िया मूवी के लिए। स्ट्रगल तो बनता ही है। अच्छी मूवी है, मार्वल की हर एक मूवी अच्छी रहती है ऑफकोर्स वैसे, लेकिन ये मूवी बहुत ही अलग थी। उतने दूर से आना सफल हुआ। हाँ, ये तो कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 5 out of 5। और कुछ अलग पार्ट, बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा उसमें? बेस्ट पार्ट जब उसमें थॉर की एंट्री होती है, तब इस पूरी मूवी में जो था, मेरे को थॉर की मतलब एक्टिंग वगैरह सब ज़्यादा अच्छी लगी। नहीं, बाकी सब भी अच्छे थे, लेकिन फिर भी थॉर अच्छा था। और किसी को कुछ मिला इस मूवी में, जैसे किसी के वीपन्स, किसी को कुछ मिला? हाँ, थॉर का हैमर नहीं मिला, लेकिन उसका वो कुल्हाड़ी जैसा कुछ मिला जो ग्रुप ने उसे बना के दिया। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, तो क्या हुआ अभी मूवी में ऐसा, मतलब कुछ धमाकेदार, ये चीज़ बताए, धमाकेदार पार्ट बताइए। स्पॉइलर तो नहीं देंगे अपन, बस इतना बोलेंगे कि आप भी ज़रूर देखिए। ओके, बस। ओके, तो और कुछ बताना नहीं चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, बाकी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आप भी सस्पेंस में रखेंगे ऑडियंस को कि नो रिव्यूज, आप पहले जाइए और देखिए ऐसा कुछ? हाँ, पार्ट टू का इंतजार है हम लोग को, बस पार्ट टू का इंतजार है। तो आउट ऑफ 5 कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 5। तो ये था रिव्यू ऑडियंस का, बहुत सारे ऑडियंस ने तो रिव्यू ही नहीं दिया कि आप भी जाइए और मूवी देखिए। तो मेरा भी कहना है कि आप जाइए और खुद भी मूवी देखिए। पर बाकी ऑडियंस के रिव्यूज से ये पता चलता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मर गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सारा मूवी सस्पेंस में है, अभी हम कुछ क्लियर नहीं कह सकते हैं कि कौन मरा है। लेकिन ये बुरी खबर मिली है कि थैनोस को पूरे स्टोन्स मिल गए हैं और उसको अर्थ से 2 स्टोन मिले हैं। मीन्स अब उसका जो एम था यूनिवर्स को हाफ करने का, आधे यूनिवर्स को ख़त्म करने का, अब उसका एम ये कंप्लीट हो जाएगा और हम भी अर्थ में रहते हैं। मुझे तो अपना बसेरा ढूंढना पड़ेगा, आप भी अपना बसेरा ढूंढ लीजिए। और ऐसे रिव्यूज़ मैं आपके लिए और भी लेके आती रहूँगी। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने रिव्यूज़ हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस आपके तरफ से रिव्यूज़ ले सकें, आपके क्वेश्चंस का आंसर ऑडियंस से पूछ सकें। थैंक यू।